दौड़ते भागते जिंदगी से अगर आप थक चुके हैं तो चले आइए पहाड़ों की रानी रानी खेत में, जो कि समुद्र तल से करीब 1838 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। यूं तो उत्तराखंड में अनेकों खूबसूरत जगह हैं, लेकिन रानी खेत को कुदरत ने बड़ी फुर्सत में बनाया है और शायद यही वजह है कि सैलानी खुद को यहां आने से रोक नहीं पाते। आलम यह है कि यहां की हसीन वादियां और विशाल पहाड़ अद्भुत एहसास दिलाते हैं, तो वहीं चीड़ और देवदार के घने जंगल सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ यहां अटूट आस्था और भक्ति का भी संगम मिलता है। रानीखेत से करीब 48 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा के घने जंगलों में बसा है माता रानी का वो स्वरूप, जिसके दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर, जहां माँ को उनके वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। अटूट आस्था और भक्ति का संगम मिलता है देवभूमि उत्तराखंड में। रानीखेत से करीब 48 किलोमीटर दूर मौजूद है दूनागिरी मंदिर। यहाँ माता रानी के वैष्णवी रूप को पूजा जाता है, लेकिन माँ तक पहुँचना यह इतना भी आसान नहीं। माँ के अद्भुत दर्शन के लिए आपको सबसे पहले 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। घने जंगलों में बसा माँ वैष्णवी का ये दूनागिरी मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मन में आस्था का ज्योत जलाए और जुबा पर माँ वैष्णवी का नाम लिए लोग इन सीढ़ियों को पार करते हैं। माँ के लाल रंग में रंगी इन सीढ़ियों पर जैसे ही लोग कदम रखते हैं, मन ही मन एक अलग ही एहसास की अनुभूति होती है, जिन्हें शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करीब 500 सीढ़ियां चढ़कर और हर घंटी को बजाकर श्रद्धालु माँ दूनागिरी के प्रांगण में पहुंचते हैं और माँ की एक झलक पाते ही लोगों की सारी थकान छू मंतर हो जाती है। यूं तो माँ दूनागिरी से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां और मान्यता हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माँ के इस अस्तित्व का एक भाग रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के पंडित जी, जिनका नाम है हेमचंद्र भट्ट, और उनसे हम जानते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि इस मंदिर के पीछे का जो एक हिस्ट्री होती है, इस मंदिर का जो महत्व है, क्योंकि मैंने देखा लोग दूर दूर से दूनागिरी मंदिर में माथा टेकने आते हैं, घंटियां चढ़ाते हैं अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, जगह जगह चुन्नियां बांधते हैं। बताइए पंडित जी। बोलो दूनागिरी माता की जय। ये साक्षात वैष्णवी माता है। जैसे जम्मू में 3 पिंडियां हैं माता की, यहाँ माता की 2 पिंडियां हैं। यहाँ जो जिस भाव से आता है माता उसको उस भाव से फल देती है। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हनुमान जी यहीं से वो पहाड़ उठा के ले गए थे, और यहाँ के सामने पहाड़ होता है उसको कहते हैं भरतकूट, वहाँ भरत जी अज्ञात मास में थे। तो भरत जी ने जब देखा कि हमारे पहाड़ को उठा के कौन ले जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ से एक बाण मारा भरत जी ने, तो एक पिंडी माता यहाँ गिर गई, उसमें माता प्रकट हो गई। इसलिए इसको साक्षात माता दूनागिरी कहते हैं। वैष्णवी माता है ये। यहाँ द्रोणाचार्य जी ने तपस्या कर रखी है और बड़े बड़े संत महात्माओं ने तपस्या कर रखी है, और देश विदेश से जो भी जिस भाव से आएगा माता उसको उस भाव से फल देती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि माँ दूनागिरी के आगे अखंड ज्योत जलाई जाती है और यहाँ चढ़ाए हुए नारियल को कभी फोड़ा नहीं जाता, बल्कि प्रसाद में साबुत दिया जाता है, जो कि इस मंदिर को खास बनाता है। पंडित जी, यहाँ मैं एक जानना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि माँ का जो यहाँ वैष्णवी रूप पूजा जाता है, तो भले ही उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है लेकिन फोड़ा नहीं जाता, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये वैष्णवी माता है, यहाँ पर प्रसाद नारियल सूखा नारियल आता है, यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो उसको बलि प्रथा कहते हैं, इसलिए ये वैष्णवी है तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। इसलिए आप प्रसाद चढ़ाने लाए, प्रसाद उसी प्रसाद हमारे पुजारी ने अंदर चढ़वाया, आपको प्रसाद के रूप में वापस दिया, आप घर जाके नारियल को तोड़ सकते हैं। वन्य जीव और चमत्कारी जड़ी बूटियों से सराबोर इस जंगल में श्रद्धालु माँ वैष्णवी के दर्शन पाते हैं।
दुनागिरी के इस पर्वत पर ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो रात में भी दमकती हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों को यहाँ एक अद्भुत सुकून और आनंद मिलता है। पिंडी रूप में विराजमान माँ वैष्णवी के साथ यहाँ देवों के देव महादेव भी हैं, जिनकी मंद मंद मुस्कान और अपार तेज को देखकर लोग भक्ति में डूब जाते हैं। माँ के दर्शन के बाद यहाँ बाकी मंदिरों में भी लोग माथा टेकना नहीं भूलते हैं। कुछ साल पहले मंदिर में जहाँ घंटियाँ बंधी हुई दिखती थी, जिन्हें अब पिघलाकर इन विशाल घंटियों में तब्दील कर दिया गया है। कहा जाता है कि माँ दूनागिरी मन से मांगी गई हर मुराद को पूरा करती है, जिसकी गवाह यहाँ लगी हजारों की तादाद में घंटियाँ हैं। मैं देखा कि जगह जगह ना घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। घंटियाँ तो आप तो घंटियाँ घंटियाँ देख रहे, घंटियाँ तो बहुत सारी घंटियाँ हैं। ये तो माता जिसकी मन्नत पूरी होती है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई चांदी चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई भंडारा चलाता है, उन्होंने कहा ये हमारे नाम से भंडारा कर देना, सब माता की कृपा है। करुणा रूपी माँ के वैष्णवी रूप को पूजने के बाद यहाँ के भंडारे में बैठना बेहद अहम माना जाता है। परिसर में 24 घंटे होने वाले भंडारे में लोग पूरी छोले खाते हैं और दान पेटी में अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। माँ के अद्भुत दर्शन पाने के बाद यहाँ मौजूद लाइन से लगी इन दुकानों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। कोई यहाँ से माँ के सिंदूर को ले जाता है तो कोई अपनों के लिए माँ दूनागिरी का ताबीज लेता है। तमाम तरह की चीजों से खचाखच भरी ये दुकानें मंदिर की अलग ही शोभा बढ़ाती हैं। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती, और शायद यही वजह है कि माँ को सबसे ऊपर माना जाता है। चाहे वो इंसान को पैदा करने वाली माँ हो या फिर दूनागिरी पर्वत के रोम रोम में बसी दूनागिरी की वैष्णवी माँ। जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में चैन मिलता है, ठीक उसी तरह दूनागिरी माँ के दर्शन से अद्भुत शांति मिलती है। अगर आप भी देव भूमि उत्तराखंड में आए तो फिर खुद के वाहन या फिर रानीखेत से टैक्सी के जरिए दौराहाट से 14 किलोमीटर पार कर दूनागिरी पर्वत जा सकते हैं। अगर आप कभी रानीखेत आए तो माँ वैष्णो के इस दूनागिरी मंदिर जरूर आए, क्योंकि कहते हैं अगर भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस मंदिर में आते हैं तो माँ वैष्णवी उनकी हर मुराद पूरी करती है।